नवाब मलिक ने शेयर की किरण गोसावी काशिफ खान की चैट, पूछा खान से पूछताछ क्यों नहीं। मुंबई ड्रग क्रूज केस को लेकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। मलिक ने मंगलवार को केस के गवाह केपी गोसावी और एक मुखबिर के बीच की कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा किए। इस चैट में काशिफ खान का नाम लिया गया है। मलिक ने सवाल उठाया है कि खान और समीर वानखेड़े के बीच क्या कनेक्शन है, साथ ही ये भी पूछा कि खान से इस मामले में पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। मलिक ने ट्वीट कर लिखा, पेश है केपी गोसावी और एक मुखबिर के बीच की चैट जिसमें काशिफ खान का जिक्र है। काशिफ खान से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, काशिफ खान और समीर दाऊद वानखेड़े के बीच क्या संबंध है। नवाब मलिक के एक खुलासे के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने खुलासे पर भाजपा की चुटकी लेते हुए लिखा, नवाब मलिक का पोस्ट देखने के बाद भाजपा वालों का रिएक्शन, ये सुबह होती ही क्यों है, सुबह होते ही टीवी पर न्यूज नहीं नवाब साहब आते हैं। एक अन्य यूजर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर ये दावे सच है तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। नवाब मलिक साहब आप रोज गजब ढा रहे हो। एक अन्य यूजर ने नवाब मलिक के पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए लिखा, इस खुलासे के बाद अब एनसीबी खुद फंसी हुई नजर आ रही है, उन्हें इस बारे में जवाब देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये सब क्या है। गौरतलब है कि 8 नवंबर को महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने सोमवार को पुष्टि की थी कि उन्हें फैशन टीवी प्रमुख काशिफ खान ने कॉर्डेलिया क्रूज पार्टी में आमंत्रित किया था, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शेख ने कहा था कि वो खान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, न ही उनके पास उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है। शेख ने कहा, एक मंत्री होने के नाते मुझे कई कार्यक्रमों और पार्टियों में आमंत्रित किया जाता है। मुझे काशिफ खान नाम की व्यक्ति ने क्रूज पार्टी में आमंत्रित किया था, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और मेरे पास उनका संपर्क नंबर भी नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उन्हें इसे आगे लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है और सच जल्द ही बाहर आ जाएगा। इसी बीच शुक्रवार को पुणे पुलिस ने किरण गोसावी पर भोसरी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का नया मामला रजिस्टर किया। पुणे में गोसावी के खिलाफ 3 मामले पहले से ही दर्ज है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।